आज यानी गुरुवार को नई संसद में आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। ये बजट अंतरिम बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने किन किन योजनाओं का ऐलान किया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतरिम बजट होता क्या है। चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार को ही पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने का अधिकार होता है। अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन और फिर उसकी ओर से बजट पारित किए जाने तक खर्च की अनुमति होती है। इस बजट में नई सरकार के बजट आने तक खर्च और आय का ब्यौरा दिया जाता है। नए बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश नहीं कर पाए थे। उनकी जगह पर पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था, क्योंकि अरुण जेटली का स्वास्थ्य खराब था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए की। कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 सालों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ी और हर सेक्टर पर इसका असर दिखा। नई योजनाएं शुरू की गई और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए। ग्रामीण विकास के लिए बड़े काम, आवास, जल, कुकिंग गैस से लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट खोलने के काम को तेजी से किया गया। चलिए जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें। पहली, 78 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। दूसरा, 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तीसरा, जीडीपी पर सरकार ध्यान दे रही है और उसका असर दिख रहा है। चौथा, 30 करोड़ के ऋण मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए हैं। पांचवा, 70% से ज्यादा घर पीएम आवास के तहत महिलाओं को दे रहे हैं। आम लोगों की औसत आय 50% से ज्यादा बढ़ी है। फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। सप्लाई चेन को मजबूत किया है। कोविड के बाद तेजी से उभरे हैं। विश्व जब गंभीर संकट से जूझ रहा था तब भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था। जीएसटी के जरिए एक राष्ट्र एक बाजार बनाने का काम किया। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारी सरकार ने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। इसके लक्ष्य को 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है।